मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों और अन्य विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में आहूत हुई। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कमिश्नर ने मुरादाबाद के संबंधित अधिकारी को सत्यापन बढ़ाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने के संबंध में जिला अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में मंडलायुक्त ने परिवहन विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनाधिकृत संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बिजनौर और रामपुर पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वसूली पर ध्यान दिया जाए, साथ ही बिल जनरेट संबंधित समस्याओं को अच्छे से चेक करके बेहतरीन से प्रयास करें और अभियान के तहत मीटर को घरों के बाहर लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर अतिक्रमण भूमि का सही से पता लगवाएं। बैठक में कमिश्नर ने एसओसी को निर्देश दिए कि चकबंदी के केसों का गंभीरता से पालन करें और निस्तारण जरूर करें। उन्होंने खनन पट्टों की अगंतक स्थिति में रामपुर और अमरोहा से संबंधित अधिकारी को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिए कि वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए तथा निरंतर औचक निरीक्षण कर ओवरलोडिंग पर ध्यान दिया जाए और किसी भी तरह का सिंडिकेट नहीं बनना चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर गांव में मछली का तालाब हो, इस पर एक अभियान चलाकर कार्य करें और हर महीने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहें। श्रमिक पंजीयन के संबंध में कमिश्नर ने एएलसी संभल और बिजनौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। आईजीआरएस के संबंध में मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआरएस का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण समय के अंतर्गत करना सुनिश्चित करें और आवेदकों का फीडबैक भी समय समय पर लेते रहें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि जर्जर तार और टेढ़े खंभों का सत्यापन समय से कराकर विसंगतियों को दूर किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत रामपुर के संबंधित अधिकारी को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निराश्रित पशु जिस गांव में मिलेगा वहीं ग्राम पंचायत तो उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगा। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड की प्रगति के संबंध में बिजनौर और संभल को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के संबंध में मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानक के अनुरूप सेंटर्स पर सुविधा सुनिश्चित करवाई जाए। मंडलायुक्त ने सभी सीएमओ को निर्देश दिए कि सीएचओ का भुगतान गंभीरता पूर्वक जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाए। आयुक्त ने स्कूलों में दिव्यांगजन शौचालय बनवाने के संबंध में सभी बीएसए को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित सभी सीएमओ तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी के भ्रमण को 100% सुनिश्चित करवाया जाए और उस पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा रामपुर और बिजनौर की स्थिति खराब होने पर सीएमओ और डीपीओ को आंगनबाड़ी विजिट में प्रगति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूल भवनों पर विशेष ध्यान दिया जाए और स्कूलों के आसपास से पानी न भरने पाए, इस पर ध्यान दिया जाए। कमिश्नर ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में पुस्तकालयों का लक्ष्य जो होता है उसको सही तरीके से पूर्ण करवाने की कोशिश की जाए और उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय और नक्षत्र शालाओं के संचालन में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि आखिरकार कोशिश करें कि प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की लेखन क्षमता, पाठन क्षमता, गुणा भाग, गणित की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार हो और अध्यापकों की भी वर्कशॉप के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाए। मंडलायुक्त द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त सरकारी भूमि का चिन्हांकन करें और चारागाह की जमीन पर पशुओं हेतु नेपियर घास की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में ये निर्देश दिए गए हैं कि हर स्तर पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों को दवाइयों के वेयर हाउस का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मंडलायुक्त ने राशन वितरण के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अभियान चलाकर कार्य करवाएं और नियमित जांच हेतु संबंधित अधिकारियों को लगाएं। संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि गन्ना मूल्य का भुगतान तय समय से सुनिश्चित करवाएं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि पेंडेंसी को कम किया जाए, कोशिश की जाए कि कोई पात्र लाभार्थी योजना से वंचित ना रहे। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो आशा वर्कर्स काम कर रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए और आशा वर्कर्स की नियमित विजिट को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो आशा वर्कर्स काम नहीं कर रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए और आशा वर्कर्स की नियमित विजिट को सुनिश्चित करवाया जाए। समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश
दिया है कि जिन विभागों में जनता का आना जाना रहता है वहां शौचालय, शुद्ध पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। IGRS और मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों के संबंध में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने और शिकायतकर्ताओं द्वारा आयुक्त कार्यालय में शिकायतें देने के संबंध में आयुक्त ने अधिकारियों को सचेत किया कि पुनः कोई शिकायत लेकर आता है तो उच्च स्तर पर अधिकारी इसकी जांच करें, शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। आयुक्त ने मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र में शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भौतिक सत्यापन मौके पर जाकर फील्ड में देखें और सभी अधिकारी टीम भावना और समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें, संयुक्त रूप से सभी मिलकर काम करें। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर विकास कार्यों की सतत मॉनिटरिंग और सुपरविजन करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी अमरोहा राजेश कुमार त्यागी, जिलाधिकारी संबल मनीष बंसल, जिलाधिकारी रामपुर रविन्द्र कुमार मानदंड, अपर आयुक्त प्रशासन BN यादव, संयुक्त विकास आयुक्त CDO मुरादाबाद सुमित यादव सहित सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, AD हेल्थ, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त निदेशक कृषि, WHO और यूनिसेफ के प्रतिनिधि सहित SE सिंचाई विद्युत लोक निर्माण विभाग, उपनिदेशक समाज कल्याण, उपनिदेशक पूर्ति, उपनिदेशक उद्यान, उपनिदेशक प्रोविजन, उपनिदेशक पंचायती राज, पशुपालन सेतु, ICDS आदि विभागों के मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।